हमारी सांप से डरने की केवल एक ही वजह है, वो है सांप का जहर। अगर जहर ना हो तो सांप रेंगती रस्सी से ज्यादा कुछ नहीं है, ये जहर ही इन्हें खतरनाक बनाता है। दुनिया के कुछ सांप तो इतने ज्यादा जहरीले होते हैं कि अगर ये एक बार आपको चूम ले तो इतना भी वक्त नहीं मिलता कि आप अगली सांस भी ले सके। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर ये जहर हमारे शरीर में जाकर ऐसा क्या तहलका मचाता है कि हमारी दीन दुनिया से छुट्टी ही हो जाती है। अगर आप नहीं जानते तो चिंता की कोई बात नहीं है, ये खास वीडियो बनाया ही इसीलिए गया है ताकि आप और हम मिलकर ये समझ सके कि जब सांप का जहर इंसान के खून में मिलता है तो क्या होता है। How does snake spit venom? जहर दरअसल सांप के सलाइवा से इवॉल्व हुआ है। इसका मेन काम शिकार को पकड़ना और उसे पचाना है। दुनिया के सारे सांपों का जहर अपनी अपनी स्पीशीज के मुताबिक अलग अलग होता है। जहर का प्रकार इस बात पर डिपेंड करता है कि सांप खाते क्या है, वो कौन से जीवों का शिकार करते हैं। ऐसे में इससे पहले कि हम ये समझे कि सांप का जहर इंसानों के खून पर क्या असर करता है, हमें ये समझने की जरूरत है कि सांप आखिर जहर उगलता कैसे है। बरसों पहले सांप अपने जबड़े के पिछले हिस्से के दांतों से जहर उगलते थे। सांप के शरीर में जहां जहर स्टोर होता है, ये थैली नुमा अंग सांप की आंखों के जस्ट पीछे होता है। ऐसे में जहर को दांतों के जरिए बाहर निकालने में पीछे के दांत ज्यादा सूटेबल थे क्योंकि वो इस थैली के पास थे। मगर इस तरह के सांप अपने शिकार को निगले बिना उस पर अटैक नहीं कर पाते थे, इसलिए धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ और सांप अपने जहर को फ्रंट टीथ से उगलने लगे। इस तरह वो सीधे आगे के दांतों से ही शिकार को काट कर उसका काम तमाम कर सकते थे। इस एवोल्यूशन के साथ एक बदलाव दांतों के डिजाइन में भी हुआ। पहले सांप के दांतों से जहर बाहर की तरफ से टपकता था, मगर धीरे धीरे दांतों में कैविटीज बनने लगी ताकि जहर को एक रास्ता मिल जाए। ये कैविटीज समय के साथ गहरी होती चली गई और एक वक्त ऐसा आया कि दांत अंदर से पूरी तरह से हॉलो हो गए, यानी अब इन दांतों के अंदर जहर बह सकता था। इस खास एवोल्यूशन की मदद से अब सांप अपने शिकार के शरीर के अंदर सीधे तौर पर जहर इंजेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये एवोल्यूशन दुनिया के सारे सांपों में नहीं हुआ, आज भी दुनिया के 1/7 स्नेक्स ही जहर को सीधे इंजेक्ट कर पाते हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर सांपों में ये एबिलिटी पाई जाती है, इसलिए ऑस्ट्रेलियन स्नेक्स को ज्यादा खतरनाक माना जाता है। हाउ लीथल कैन द स्नेक्स वेनम बी? कौन सा वेनम इस दुनिया का सबसे खतरनाक वेनम है, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि सारे वेनम्स की अपनी अलग अलग स्पेशलिटीज है। जैसा कि मैंने बताया, सांप के जहर का प्रकार उसके द्वारा शिकार किए जाने वाले जीवों पर डिपेंड करता है। साथ ही ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि सांप कौन सा है, उसने किस जानवर को काटा है और कितनी क्वांटिटी में जहर शिकार के शरीर में पहुंचा है। ये जीव भी सांप के जहर से खुद को सुरक्षित करने के लिए अपने अंदर एंटीबॉडीज डेवलप करते रहते हैं। जैसे हनी बैजर पर किंग कोबरा के जहर का कोई असर नहीं होता क्योंकि इन जीवों ने खुद को कोबरा के जहर से पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया है। अपने शिकार जीवों की इस प्रतिरोधक क्षमता के विकास की वजह से सांप भी अपने जहर में बदलाव करते रहते हैं और समय के साथ और भी ज्यादा घातक होते जाते हैं। हमारे लिए सांपों का जहर बहुत ही खतरनाक है क्योंकि हम यानी मैमल्स बहुत हद तक सांपों के मेन प्रेज यानी रोडेंट से मिलते जुलते हैं। रोडेंट्स और हम बहुत हद तक एक ही बायोलॉजी शेयर करते हैं। हमारे सेल्स के स्ट्रक्चर्स, कैसे हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होती है, कैसे हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है और भी बहुत कुछ। इसलिए रोडेंट्स को शिकार बनाने के लिए डेवलप किया गया जहर हम इंसानों पर भी बहुत बुरा असर डालता है। डिफरेंट वेनम्स हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी। सांप का जहर इंसानों के शरीर पर कई अलग अलग तरीकों से असर कर सकता है। ये तरीके हैं न्यूरोटॉक्सिसिटी, हीमोटॉक्सिसिटी, साइटोटॉक्सिसिटी, म्योटॉक्सिसिटी, कोअगुलोटॉक्सिसिटी और कार्डियक टॉक्सिसिटी। न्यूरोटॉक्सिक वेनम इंसान के नर्वस सिस्टम और ब्रेन को बुरी तरह डैमेज कर देता है। ये जहर सीधे न्यूरोट्रांसमीटर्स पर हमला करता है। ये वो केमिकल्स है जो न्यूरॉन्स के थ्रू माइंड तक सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं। ब्रेन डैमेज होते ही इंसान की मौत हो जाती है। हीमोटॉक्सिक वेनम आपके शरीर में ब्लड क्लॉटिंग को रोक देता है, जिससे खून पतला होने लगता है और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग रुक जाने से घाव भी नहीं भरते और ऐसी अवस्था में इंसान की मौत लगभग तय मानी जाती है। साइटोटॉक्सिक वेनम शरीर की सेल्स पर अटैक करता है। इस जहर के असर से सेल्स अंदर ही अंदर गलने लगती है और उनमें छाले और फफोले पड़ने लगते हैं, जिससे सेल्स मरने लगती है और धीरे धीरे इंसान की मौत हो जाती है। म्योटॉक्सिक वेनम मसल्स पर अटैक करता है, जिससे इंसान का शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। कभी कभी पैरालिसिस के दौरान इंसान की मौत भी हो जाती है।
कोआगुलोटॉक्सिक वेनम इंसान के खून की क्लॉटिंग प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देता है, जिससे शरीर के अंदर जगह जगह खून के थक्के जमने लगते हैं और ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, जिससे अल्टीमेटली इंसान की मौत हो जाती है। कार्डियक टॉक्सिक वेनम सीधे हार्ट पर असर करते हैं, जिससे इंसान का दिल काम करना बंद कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। हालांकि इससे भी डरावनी बात तो ये है कि बहुत से सांपों के जहर में इन टॉक्सिन्स के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, यानी इनका वेनम एक से ज्यादा तरीकों से इंसान के शरीर पर अटैक करता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सांपों के काटने से कोई भी बच क्यों नहीं पाता। What happens when a drop of snake's venom is mixed with human blood? आइए अब जानते हैं कि क्या होता है जब सांप का जहर इंसान के खून में मिक्स होता है। यहाँ इन दो ग्लास बीकर्स में इंसानी खून रखा हुआ है। खून को दो अलग अलग जार्स में निकाल लिया जाता है। एक जार में खून के साथ थोड़ा सा पानी मिक्स किया जाता है और दूसरे जार में खतरनाक ताइपान स्नेक का जहर। जहर की केवल एक बूंद ही मिलाई गई है ताकि इसकी कम से कम क्वांटिटी के असर को नोटिस किया जा सके। ये बस चंद पलों की बात थी और जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। 3 सेकंड से भी कम समय में खून एक जेली के रूप में बदल गया। लिक्विड स्टेट में रखा खून जमकर सॉलिड हो गया, वहीं दूसरी जार में रखा खून अभी भी लिक्विड स्टेट में ही था। ये सचमुच बहुत डरावना था। हालांकि असर कुछ मिलीमीटर खून पर ही हुआ था। इंसानी शरीर में कई लीटर्स खून होता है, ऐसे में शरीर में छोटे छोटे खून के थक्के जमते हैं। ये कोआगुलोटॉक्सिसिटी का इफेक्ट है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि किस तरह ब्लड सर्कुलेशन रुकता है और इंसान की मौत हो जाती है। हाउ स्नेक्स वेनम इज एक्सट्रैक्टेड। हालांकि अब सांप से इतना भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और अब जहरीले से जहरीले सांपों के कांटे का भी इलाज संभव है। मेडिकल टर्म्स में इस दवाई को एंटी वेनम कहा जाता है। कमाल की बात है कि ये दवाई इन जहरीले सांपों के जहर से ही बनाई जाती है। हाँ, मगर सांपों से इनका जहर उगलवाना कोई आसान काम नहीं है। ये बहुत ही जोखिम भरी प्रैक्टिस होती है और इसलिए हमेशा एक्सपर्ट्स द्वारा ही परफॉर्म की जाती है। इसके लिए दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों के जहरीले सांपों को किसी लैब में इकट्ठा किया जाता है, जहाँ इन्हें अलग अलग रैक्स में रखा जाता है, जहाँ इनके पालन पोषण और खान पान का पूरा ख्याल रखा जाता है, ताकि सांप लंबे समय तक स्वस्थ रहे और ज्यादा से ज्यादा जहर प्रोड्यूस करे। सांप से जहर निकालने के लिए पहले उसके मुंह को एक ग्लास के बीकर पर दबाया जाता है। सांप के जबड़े के अगले हिस्से पर जैसे ही प्रेशर पड़ता है, वह अपने आगे के दांतों से जहर उगलने लगता है। बीच बीच में उंगलियों से सांप की आंखों के नीचे के हिस्से को भी दबाया जाता है, ताकि सांप की जहर की थैली पर प्रेशर पड़े और ज्यादा से ज्यादा जहर एक्सट्रैक्ट किया जा सके। बाद में सांप को बड़ी सावधानी के साथ वापस उसकी रैक में रख दिया जाता है। इस तरह एंटी वेनम बनाने के लिए वेनम तैयार है। मेडिकल यूसेज ऑफ स्नेक्स वेनम। हालांकि एंटी वेनम बनाना कोई हलवा बनाने जैसा आसान काम नहीं है। किस वेनम में कौन से टॉक्सिन के कितने कंपाउंड्स है, ये जानना बहुत ही टेढ़ी खीर है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि ज्यादातर सांपों के जहर में अलग अलग टॉक्सिन्स के बहुत से कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए इनके लिए एंटी वेनम बनाना भी उतना ही मुश्किल काम है। एंटी वेनम बनाने से पहले वैज्ञानिकों ने लैब में पाले गए कई सारे चूहों पर दुनिया के अलग अलग सांपों के वेनम का अलग अलग क्वांटिटी में टेस्ट किया, ताकि एंटी वेनम के डोज की क्वांटिटी का पता लगाया जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक एंटी वेनम बनाने के लिए एक बार में निकाले गए औसतन 15 से 20 सांपों के जहर की जरूरत होती है। खैर, आज के समय में दुनिया के ज्यादातर सांपों के एंटी वेनम बनाए जा चुके हैं और बचे हुए सांपों के जहर पर खोज जारी है। एंटी वेनम के अलावा भी सांपों के जहर के इंसानी शरीर पर असर को विज्ञान ने मेडिकल यूसेज में वरदान की तरह इस्तेमाल करने में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। इस एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे कोआगुलोटॉक्सिक जहर खून का थक्का जल्दी जमा देता है, तो इससे ऐसी दवाई बनाई गई जिससे ऑपरेशंस के दौरान यूज किया जाता है, ताकि ऑपरेशन के वक्त मरीज का ज्यादा खून ना बहे। इसी तरह के स्नेक वेनम के और भी कई सारे मेडिकल यूसेजेस हैं। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट में जरूर बताइएगा कि सांप के जहर के इंसानी खून में मिलने पर होने वाले प्रभाव के बारे में ये कमाल की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।